चल बच्चा और एक नया सम। यहाँ पे सम में आपको क्या ध्यान रखना है, तो बच्चा यहाँ पे आप देखो जो फॉर्म है वो कौन से फॉर्म में है, x अपॉन 7 y अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। अब बच्चा यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है, उनको लगता है ये सम टफ है, इसमें खाली थोड़े स्टेप सिंप्लीफाई करने होंगे। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू आप बोलोगे सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसका सिंप्लीफाई करोगे और उसको कैलकुलेशन में आगे ले जाओगे। तो बच्चा यही हमें यहाँ करना है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स अपॉन 7 वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया 21, तो यहाँ पे प्लस की साइन। अब 21 एलसीएम लेते हैं तो बच्चा यहाँ ध्यान रखो, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर को भी 3 के साथ, तो यहाँ पे 3x, सेम वे यहाँ 7 तो यहाँ पे भी 7, तो ये 7y हो जाएगा। तो ये हो गया, इतना बेसिक पॉइंट आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 7y, ये डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 5 × 21, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा, तो सीधा लिखे तो भी चलेगा, 3x प्लस 7y ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, तो 105। तो ये हमारा इक्वेशन 1 रेडी हो गया, सिंपल है। अब ये नॉर्मल ये फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 1। अब बच्चा दूसरे इक्वेशन की बारी, तो यहाँ पे x अपॉन 2 माइनस आप बोलोगे y माइनस 9 y अपॉन 9 इज इक्वल टू 6। तो अब बच्चा यहाँ ध्यान से देखोगे फिर से एलसीएम, तो यहाँ है 18, आप बोलोगे 9 टू जा 18 जो एलसीएम लेते हैं वो हमने ले लिया। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 9, क्योंकि हमें 18 लाना है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया तो 9x, सेम वे बच्चा यहाँ 2 तो यहाँ पे भी 2, तो 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 18 हो गया। अब बच्चा बोलेगा सर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 6, तो यहाँ पे आप बोलोगे ये होगा 48, यहाँ पे आप बोलोगे सर 6 1 6 और उसमें ऐड कर दोगे तो 108। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। जैसे इक्वेशन 2 आप देते हो बच्चा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 9x है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 9x है और यहाँ पे भी 3x है, तो बच्चे को देखते ही स्ट्राइक होना चाहिए मैं पहले इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमें क्योंकि x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आगे ले जा सकते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितने से करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, तो बच्चा बोलेगा सर 2 के साथ करेंगे, कितना करेंगे, अब बोलेगा बच्चा 2 नहीं सर यहाँ 3 से करना पड़ेगा, 3 3 9 होगा तो 3 लेना पड़ेगा, तो 3 परफेक्ट आंसर है। अब ध्यान से समझना है, यहाँ 3 है, 3 3 तो 9x प्लस यहाँ पे आप बोलोगे 21y और यहाँ पे आप बोलोगे ये 3 के साथ होगा तो हो कितना जाएगा 105, आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 315, कितना हो जाएगा 315, इसको इक्वेशन हमने बोल दिया 4। अब सारा कैलकुलेशन पार्ट 2 एंड आप बोलोगे सर 3 के साथ ही होगा, ये 4 नहीं बोला जाएगा, सेकंड लिखा हुआ है तो सीक्वेंस में आएगा 3, तो 2 एंड 3 के साथ ही हम आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये भी 9x ये भी 9x, तो लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 फ्रॉम आप बोलोगे सर 2, तो यहाँ पे पहले 2 लिख लेते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108 और यहाँ पे हमने लिखा 9x प्लस 21y इज इक्वल टू 135। अब साइन चेंज होगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट वर्ड यूज हुआ है तो ऑब्वियसली साइन चेंज, तो यहाँ पे 9x 9x कट। अब
यहाँ पे बच्चा माइनस टू है, ये माइनस 21, तो ये 23y हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो बच्चा लिख के कर लेते, तो 1315 माइनस 108, तो यहाँ पे हम 15 लिया तो यहाँ 0, तो यहाँ से करेंगे तो बच्चा हो कितना जाएगा 2 और 5 तो 7, 0 और ये 2, तो ये 207। अब बच्चा ध्यान से समझना, 230 मतलब आप बोलोगे सर 23 इंटू 10 करोगे तो 230 आएगा, तो 9 से करेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा, तो 23 इंटू 9 करोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये 18 और ये 2 ऐड हो जाएगा तो 207। तो y इज इक्वल टू, बच्चा यहाँ साइन ध्यान में रखना, ये माइनस किया गया 207 और यहाँ पे माइनस 23, तो y इज इक्वल टू हो, यहाँ पे बच्चा हमने लिख दिया 9। जैसे 9 लिखते हो बच्चा तो आप स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली हम किस में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ही लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। आपको पुट करना है तो यहाँ सेकेंड में भी कर सकते हैं, थ्री में भी कर सकते हैं, हम फर्स्ट में ही करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले 3x प्लस, आप बोलोगे सर ये 7y इज इक्वल टू 105, 3x की जगह 3x, 7 की जगह 7y की जगह हो जाएगा 9, ये 105, तो 7x यहाँ पे हो जाएगा, आप बोलोगे 63 इज इक्वल टू 105। आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 105 माइनस 63, तो यहाँ पे लिखा 105 माइनस 63, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 10 में से 6 जाएगा था 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 3, तो हो जाएगा 14। बच्चा सम कंपैरेटिवली इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट में ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल वाले पॉइंट में गलतियां हो सकती है, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम